क्लासेस 9 एक्सरसाइज 1.6 रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, पहले हम रूल पढ़ रहे हैं इसके, फिर उसके हम बाद में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो देखो, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर आता है हमेशा 1। किसी भी नंबर की 1 की पावर 0 ले लेते हैं तो भी 1, 2 की पावर 0 तो भी 1, 1000 की पावर 0 तो भी 1। ठीक है, आंसर इसका ये है। a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n प्लस n, यानी x की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर 6, तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है 5 प्लस 6 तो इज इक्वल टू x की पावर 11। समझ में आया? ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन नंबर 4, a की पावर n ओवर a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n माइनस n, यानी x की पावर 5 एंड x की पावर 4, तो बेस सेम तो क्या लिख सकते हैं, x की पावर 5 माइनस 4 तो x की पावर 1। ठीक है, ये रूल जो है वो आप एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इनको, क्योंकि जो 1.6 एक्सरसाइज उसमें बहुत काम आने वाले हैं। अब जैसे a b की पावर n तो क्या लिख सकते हैं हम, a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n, अलग अलग लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर ये 5 नंबर का है, a की पावर n पूरे की होल पावर n, तो कैसे लिख सकते हैं a की पावर n मल्टीप्लाई n। ठीक है, यानी मान लो लिखा हो 2 की पावर 3 की पावर 2, कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। ठीक है, लास्ट है इसका रूल 6 नंबर, a अपॉन b की पावर माइनस n। ठीक है, ये मान लो x अपॉन y की पावर माइनस 1, तो कैसे लिखेंगे इसको, अपोजिट कर देंगे y अपॉन x की पावर 1। समझ में आया? अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग एक थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो आगे जब एक्सरसाइज करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अगली वीडियोज आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।